बाबा पीर मंगानाथ जी की सिंज जिहड़ी कि साडी पूरी चिब बलादरी पहले तहसील पिंबर बटाला तो चलती आ रही है। ये सिंज जिहड़ी है इतनी मशहूर है पूरे जे एंड के में, काफ़ी इसकी चर्चा है। और मेरी लोगों से अपील है कि जो पहलवान है इस बार वो पंजाब से बहुत ही बड़े बड़े पहलवान बुलाए गए हैं, जो कि आपने देखा होगा कि हमारा ऑटो जो घूम रहा है उसमें नामी पहलवान जो हैं वो आ रहे हैं। बड़ी माली का, दूसरी माली का, तीसरी चौथी का, जो आठ कुश्तियां हैं बहुत ज़बरदस्त दंगल होने जा रहा है। और कल भी हमारे जो है एक किस्म का छोटा दंगल अखाड़ा जिसको हम बोलते हैं वो है, वो भी अखाड़ा जो है तकरीबन अच्छे अच्छे पहलवान इसमें भी आते हैं। तकरीबन हमारा कोई 50 और 60 हज़ार के बीच में कल भी हमारा जो है दंगल, जो 8 तारीख को दंगल होता है वो कल है, वो छोटा दंगल उसे कहते हैं, और वो भी कल मनाया जा रहा है। और उसमें भी मेरी जितनी भी जो भी आवाज़ मेरी सुन रहे हैं वो ज़रूर कल भी अखाड़े के दिन भी आएँ और दंगल की शोभा बढ़ाएँ। बाकी जो सिंज है ये यहाँ यहाँ भी मेरी आवाज़ आ रही है, बलादरी बलादरी नहीं, इसमें जो भी हमारे आसपास के जो मनास या कोई दूसरी जात के हैं ये सब इसमें शामिल हैं, और ज़्यादा की ज़्यादा तादाद में आए और सिंज की रौनक जो है। ये दंगल हमारे जो है 18 तारीख नौमे श्राद्ध, ये जो पक्की डेट है ये नौमे श्राद्ध ही हमारे आता है ये दंगल जो है, और इस बार 18 तारीख एतवार को दंगल होने जा रहे हैं। और इसमें क्या है कि बाहर से जो हैं झूले वाले दुकान वाले पंजाब से हरियाणा से बड़ी दूर दूर से जो है झूले वाला, मैं पिछली बार भी बोला था ये झूले वाला जो है ये बड़ी दूर से आया है, यूपी से आया है, तो ये भी आपको देखने के योग्य है। जो हमारा मेला लगता है ये भी एक देखने के योग्य है। तो इसीलिए मेरी सारी जितनी भी हमारी यहाँ यहाँ मेरी आवाज़ आ रही है बलादरी या जो भी हमारे जो सुन रहे हैं वो आपने 18 तारीख सिंज की रौनक ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाएं। जय हिंद, जय बाबा मंगानाथ। हमारे गांव सतराइया में जो दंगल होने जा रहा है नौवें श्राद्ध को दिन एतवार 18 तारीख को, ये पिछले जब से हमारे बुज़ुर्ग हमारे गांव में आए हुए हैं हमारे बुज़ुर्गों ने वो सिंज करवाते आ रहे हैं। ये जो अभी अब की बार जो हम दंगल करवाने जा रहे हैं इसमें हमने पहले ही 3-4 कुश्तियाँ जो बांध के रखी हुई है जो बाहर नियोते के ऊपर पहलवान बुलाए हुए हैं। हम आपके माध्यम से जनता से ये अपील करते हैं कि नौमे श्राद्ध को बाबा मंगानाथ जी के स्थान के ऊपर आएं, उनका जी के स्थान के ऊपर आएं और उनका दर्शन करने के साथ साथ दंगल की शोभा बढ़ाएं। जो पहलवान हमने बुलाए हुए हैं मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये भूपेंद्र अजनाला और प्रिंस क्वाली, उसके बाद है एक सुखा पंजाब और मुकेश क्वाली, संदीप हरियाणा और बिक्की चंडीगढ़। इनके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से यही अपील करूंगा लोगों के आगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन एतवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और दंगल की शोभा बढ़ाएं। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत। देखिए ये जो हमारे जम्मू के डुगरवासी हैं सभी लोग, इनके लिए बहुत ही बड़ा दिन है आज। हम आपके माध्यम से लोगों को ये मुबारकबाद देना चाहते हैं कि जो पिछले दिनों वहाँ पे महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के नीचे जो अनशन चला था और गवर्नमेंट ने भी पूरा उसको इनिशिएटिव लिया था, गवर्नमेंट ने जो जितने भी युवा रायपुर सभा के लोग और जितने भी डुग्गर समाज के लोग वहाँ पे अनशन कर रहे थे उनको उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 तारीख को कुछ ना कुछ जो भी होगा माता वैष्णो देवी की कृपा से अच्छा ही होगा। लेकिन जो कल गवर्नमेंट ने छुट्टी अनाउंस की है इससे पूरे जम्मू वासियों का मन है जो मनोबल बढ़ा है और मन में खुशी का माहौल है और लोग जगह जगह पे ऊपर जगह जगह पे जश्न मना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पिछले 70 साल में जो किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया वो LG मनोज सिन्हा साहब ने हमारे लोगों को डुग्गर समाज को जो छुट्टी देके घोषित की है 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर, इसके लिए लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मुबारक।